कानून साजी के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। फवाद चौधरी के बाद जहांगीर तरीन भी बोल पड़े। सियासी हरीफों पर भी तनकीद, कहा जिन लोगों पर केसेस हैं वो सब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ऑपोजिशन का हो मुखालफिन को बड़ा पैगाम भी दे दिया, कहा कोई सोचे बगैर सोचे भी ना कि वो इमरान खान को माइनस करना मुमकिन है। इमरान खान है तो पीटीआई भी है। जहां तक ये माइनस वन वाली बात है, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज तब कोई आदमी कुछ सोच भी नहीं सकता और ना सोचना चाहिए। इमरान खान माइनस वन नहीं होंगे। लेकिन हमने बता दिया कि नाजायज हुक्मरानों को और उसकी कुर्सी को और उसके इख्तदार को कैसे उखाड़ा जाता है और किस तरीके से ऐसे हुक्मरानों के रोब दबदबे को जमीन बोस किया जाता है। हमने इन हुक्मरानों के गर्दनों से सरिया निकाल दिया है। हुक्मरानों की कश्ती डूबने वाली है, हमारे एहतजाज से इनकी अकड़ खत्म हो गई। फजलुर रहमान के फिर पीटीआई सरकार पर वार, कहते हैं हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये कहते हैं एहतसाब करेंगे लेकिन खुद एहतसाब से भागते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत में लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से इनकार किया और अब वही मुकीम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज, कहा नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान भी जाना होता है तो बरास्ता लंदन जाते थे। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं सितम जरीफी है कि कानून साजी में कानून को मतलूब लोग भी शामिल हैं। पूरी की पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। इमरान खान को दिन रात सिर्फ शरीफ खानदान और नून लीग का ख्याल सताता रहता है। नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, सवाल उठाया कि मरियम नवाज पर आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन क्यों ना जाए। पाकिस्तान इनफरादी कौमी खित्ते की तरक्की और इलाकाई तआवुन की ताकत पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 35वीं सार्क चार्टर डे पर पैगाम, कहा आज के दिन दूर अंदेश रहनुमाओं ने मिलकर काम करने के लिए सार्क चार्टर मरतब किया। गुरबत जहालत बीमारी और नाख्वानदगी के खात्मे पर जोर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान क्रिकेट कमेटी से दस्तबरदार हो गए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन साबिक क्रिकेटर होगा, ऐलान जनवरी में किया जाएगा। 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की बहाली, श्रीलंकन टीम इतवार और पीर की दरमियानी शो पाकिस्तान पहुंचेगी। 11 दिसंबर से पहले टेस्ट के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां जारी। नए इंक्लोजर्स बन गए, सफाई सुथराई भी मुकम्मल। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स के साथ नामों का ऑनर बोर्ड भी आवेजा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान कहते हैं टेस्ट क्रिकेट की बहाली को वजीर आजम की काविशों का नतीजा करार दे दिया। पीएम साहब की उनकी कोशिशें थी इसके पीछे और आज जो आप देख रहे हैं वही रंग ले आई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की टीम से बाहर रहना मुश्किल होता है। प्लेइंग 11 में खेलने का फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। 10 साल बाद कौमी टीम में एंट्री मिलने पर फवाद आलम खुश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता, क्रिकेट छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। जहाँ तक छोड़ना ना छोड़ने की बात, देखें छोड़ने का भी सोच ही नहीं सकते क्योंकि ब्रेड एंड बटर ही हमारा यही है, हमारी फैमिलीज इस पर डिपेंड करती हैं, हमारी फैमिलीज चलती हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा अफसोस होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, जाहिर है आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आप मेहनत कर रहे होते हो, फिर आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची में डे नाइट टेस्ट खेलने की पेशकश कर दी। बांग्लादेशी बोर्ड ने हाँ की तो ये पाकिस्तान में पहला डे नाइट टेस्ट होगा। बंगाल टाइगर्स ने आइंदा माह 2 टेस्ट और 3 टी20 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है, जिसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के चैंपियन रेसलर इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वेटलिफ्टिंग में नूह दस्तगीर बट और स्क्वाश में तैयब असलम के भी तलाई तमगे। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 28 हो गई।
कानून साजी के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। फवाद चौधरी के बाद जहांगीर तरीन भी बोल पड़े। सियासी हरीफों पर भी तनकीद, कहा जिन लोगों पर केसेस हैं वो सब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ऑपोजिशन का हो मुखालफिन को बड़ा पैगाम भी दे दिया, कहा कोई सोचे बगैर सोचे भी ना कि वो इमरान खान को माइनस करना मुमकिन है। इमरान खान है तो पीटीआई भी है। जहां तक ये माइनस वन वाली बात है, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज तब कोई आदमी कुछ सोच भी नहीं सकता और ना सोचना चाहिए। इमरान खान माइनस वन नहीं हो। लेकिन हमने बता दिया कि नाजायज हुक्मरानों को और उसकी कुर्सी को और उसके इख्तदार को कैसे उखाड़ा जाता है और किस तरीके से ऐसे हुक्मरानों के रोब दबदबे को जमीन बोस किया जाता है। हमने इन हुक्मरानों के गर्दनों से सरिया निकाल दिया है। हुक्मरानों की कश्ती डूबने वाली है, हमारे एहतजाज से इनकी अकड़ खत्म हो गई। फजलुर रहमान के फिर पीटीआई सरकार पर वार, कहते हैं हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये कहते हैं एहतसाब करेंगे लेकिन खुद एहतसाब से भागते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत में लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से इनकार किया और अब वही मुकीम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज, कहा नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान भी जाना होता है तो बरास्ता लंदन जाते थे। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं सितम जरीफी है कि कानून साजी में कानून को मतलूब लोग भी शामिल हैं। पूरी की पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। इमरान खान को दिन रात सिर्फ शरीफ खानदान और नून लीग का ख्याल सताता रहता है। नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, सवाल उठाया कि मरियम नवाज पर आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन क्यों ना जाए। पाकिस्तान इनफरादी कौमी खित्ते की तरक्की और इलाकाई तआवुन की ताकत पर यकीन रखता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 35वीं सार्क चार्टर डे पर पैगाम, कहा आज के दिन दूर अंदेश रहनुमाओं ने मिलकर काम करने के लिए सार्क चार्टर मरतब किया। गुरबत जहालत बीमारी और नाख्वानदगी के खात्मे पर जोर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान क्रिकेट कमेटी से दस्तबरदार हो गए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन साबिक क्रिकेटर होगा, ऐलान जनवरी में किया जाएगा। 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की बहाली, श्रीलंकन टीम इतवार और पीर की दरमियानी शो पाकिस्तान पहुंचेगी। 11 दिसंबर से पहले टेस्ट के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां जारी। नए इंक्लोजर्स बन गए, सफाई सुथराई भी मुकम्मल। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स के साथ नामों का ऑनर बोर्ड भी आवेजा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान कहते हैं टेस्ट क्रिकेट की बहाली को वजीर आजम की काविशों का नतीजा करार दे दिया। पीएम साहब की उनकी कोशिशें थी इसके पीछे और आज जो आप देख रहे हैं वही रंग ले आई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की तरफ से। टीम से बाहर रहना मुश्किल होता है, प्लेइंग 11 में खेलने का फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी। 10 साल बाद कौमी टीम में एंट्री मिलने पर फवाद आलम खुश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता, क्रिकेट छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। जहाँ तक छोड़ना ना छोड़ने की बात, देखें छोड़ने का भी सोच ही नहीं सकते क्योंकि ब्रेड एंड बटर ही हमारा यही है, हमारी फैमिलीज इस पर डिपेंड करती हैं, हमारी फैमिलीज चलती हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा अफसोस होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, जाहिर है आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आप मेहनत कर रहे होते हो, फिर आपको अगर आप सिलेक्ट नहीं होते हो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची में डे नाइट टेस्ट खेलने की पेशकश कर दी। बांग्लादेशी बोर्ड ने हाँ की तो ये पाकिस्तान में पहला डे नाइट टेस्ट होगा। बंगाल टाइगर्स ने आइंदा माह 2 टेस्ट और 3 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है, जिसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के चैंपियन रेसलर इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वेटलिफ्टिंग में नूह दस्तगीर बट और स्क्वाश में तैयब असलम के भी तलाई तमगे। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 28 हो गई।
कानून साजी के लिए पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है। फवाद चौधरी के बाद जहांगीर तरीन भी बोल पड़े। सियासी हरीफों पर भी तनकीद, कहा जिन लोगों पर केसेस हैं वो सब मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। ऑपोजिशन का हो मुखालफिन को बड़ा पैगाम भी दे दिया, कहा कोई सोचे बगैर सोचे भी ना कि वो इमरान खान को माइनस करना मुमकिन है। इमरान खान है तो पीटीआई भी है। जहां तक ये माइनस वन वाली बात है, मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इमरान खान की वजह से। माइनस इमरान खान कोई और चीज तब कोई आदमी कुछ सोच भी नहीं सकता और ना सोचना चाहिए। इमरान खान माइनस वन नहीं हो। लेकिन हमने बता दिया कि नाजायज हुक्मरानों को और उसकी कुर्सी को और उसके इख्तदार को कैसे उखाड़ा जाता है और किस तरीके से ऐसे हुक्मरानों के रोब दबदबे को जमीन बोस किया जाता है। हमने इन हुक्मरानों के गर्दनों से सरिया निकाल दिया है। हुक्मरानों की कश्ती डूबने वाली है। हमारे एहतजाज से इनकी अकड़ खत्म हो गई। फजलुर रहमान के फिर पीटीआई सरकार पर वार, कहते हैं हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। ये कहते हैं एहतसाब करेंगे लेकिन खुद एहतसाब से भागते हैं। नवाज शरीफ ने अदालत में लंदन फ्लैट्स की मिल्कियत से इनकार किया और अब वही मुकीम है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज, कहा नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान भी जाना होता है तो बरास्ता लंदन जाते थे। फिरदौस आशिक अवान कहते हैं सितम जरीफी है कि कानून साजी में कानून को मतलूब लोग भी शामिल हैं। पूरी की पूरी नून लीग मफरूरों के पास डेरा जमाए बैठी है। इमरान खान को दिन रात सिर्फ शरीफ खानदान और नून लीग का ख्याल सताता रहता है। नैब को शरीफ खानदान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, सवाल उठाया कि मरियम नवाज पर आज तक एक भी इल्जाम साबित नहीं हुआ, वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए लंदन क्यों ना जाए। पाकिस्तान इनफरादी कौमी खित्ते की तरक्की और इलाकाई तआवुन की ताकत पर यकीन रखता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का 35वीं सार्क चार्टर डे पर पैगाम, कहा आज के दिन दूर अंदेश रहनुमाओं ने मिलकर काम करने के लिए सार्क चार्टर मरतब किया। गुरबत जहालत बीमारी और नाख्वानदगी के खात्मे पर जोर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान क्रिकेट कमेटी से दस्तबरदार हो गए। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी कहते हैं क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन साबिक क्रिकेटर होगा, ऐलान जनवरी में किया जाएगा। 10 साल बाद टेस्ट क्रिकेट की बहाली, श्रीलंकन टीम इतवार और पीर की दरमियानी शो पाकिस्तान पहुंचेगी। 11 दिसंबर से पहले टेस्ट के लिए रावलपिंडी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां जारी। नए इंक्लोजर्स बन गए, सफाई सुथराई भी मुकम्मल। खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स के साथ नामों का ऑनर बोर्ड भी आवेजा। डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट जाकिर खान कहते हैं टेस्ट क्रिकेट की बहाली को वजीर आजम की काविशों का नतीजा करार दे दिया। पीएम साहब की उनकी कोशिशें थी इसके पीछे और आज जो आप देख रहे हैं वही रंग ले आई हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की तरफ से। टीम से बाहर रहना मुश्किल होता है। प्लेइंग 11 में खेलने का फैसला टीम मैनेजमेंट करेगी 10 साल बाद। कौमी टीम में एंट्री मिलने पर फवाद आलम खुश, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा किसी की तनकीद का जवाब नहीं देना चाहता, क्रिकेट छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। जहाँ तक छोड़ना ना छोड़ने की बात, देखें छोड़ने का भी सोच ही नहीं सकते क्योंकि ब्रेड एंड बटर ही हमारा यही है, हमारी फैमिलीज इस पर डिपेंड करती हैं, हमारी फैमिलीज चलती हैं। सो आई थिंक थोड़ा सा अफसोस होता है एज ए ह्यूमन बीइंग, जाहिर है आप परफॉर्म कर रहे होते हो, आप मेहनत कर रहे होते हो, फिर आपको अगर आप सिलेक्ट होते हो। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कराची में डे नाइट टेस्ट खेलने की पेशकश कर दी। बांग्लादेशी बोर्ड ने हाँ की तो ये पाकिस्तान में पहला डे नाइट टेस्ट होगा। बंगाल टाइगर्स ने आइंदा माह 2 टेस्ट और 3 T20 खेलने के लिए पाकिस्तान का दौरा करना है, जिसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतजार है। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के चैंपियन रेसलर इनाम बट ने गोल्ड मेडल जीत लिया। वेटलिफ्टिंग में नूह दस्तगीर बट और स्क्वाश में तैयब असलम के भी तलाई तमगे। इवेंट में पाकिस्तान के गोल्ड मेडल्स की तादाद 28 हो गई।